हाय फ्रेंड्स, एडुविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डॉक्टर फास्टस नाम का प्ले लेके आए हैं और उसमें मैं डॉक्टर फास्टस की स्टोरी बताऊंगी। और उससे पहले जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ना, उसके बारे में डिटेल में बता दूंगी ताकि ये स्टोरी समझना आसान हो जाए इसमें। और ये जो स्टोरी है, जो प्ले है, वो जब लिखा गया था तभी इसको स्टेज पे प्रेजेंट भी किया गया था। तो वो ईयर था 1588 और 1589 में, तो कंफर्म नहीं है, ऐसे ही बुक में दिया हुआ है। और इसके बारे में बाकी जो डिटेल है उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में हम सभी कहानी के बारे में जानेंगे और इसमें देख लेते हैं मेन कैरेक्टर क्या है। डॉक्टर फास्टस मेन कैरेक्टर हैं और वैगनर डॉक्टर फास्टस के सर्वेंट हैं। और ये वाल्डिस और कार्नेलियस डॉक्टर फास्टस के फ्रेंड हैं। गुड एंजिन, एवल एंजिन, ये दो कैरेक्टर हैं। मेफिस्टोफिलिस, ये लूसीफर का सर्वेंट है और लूसीफर नर्क का शैतान है, वहाँ का शासक है। और बिल्जब भी शैतान ही है। और द एम्परर चार्ल्स फिफ्थ, छोटा सा रोल है इनका। और रॉबिन रॉल्फ, ये दोनों का छोटा रोल है। रॉल्फ जो है वो हेल्पर है रॉबिन का, ठीक है। ये इधर है, इधर है, इतने कैरेक्टर हैं। और उसके अलावा भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन यही कैरेक्टर्स हैं। फिर हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है डॉक्टर फास्ट एक कोरस से। कोरस सॉन्ग होता है जो ग्रुप में गाया जाता है। कहानी के बारे में बताया जाता है कि कैसे क्या होना है, क्या कहानी शुरू हो रही है। तो कहानी शुरू होती है कोरस से। कोरस में बताया जाता है कि कवि नाटककार महान नायकों की गाथा नहीं गाना चाहता। कोरस के अनुसार प्रस्तुत नाटक डॉक्टर फास्टस के उत्थान पतन का नाटक है। जर्मनी के सामान्य परिवार में जन्म लेकर स्टडी के लिए वह विटेनबर्ग गए। कुछ ही टाइम में वह धर्मशास्त्र में मास्टर हो गए और उन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई। वह बाकी सब्जेक्ट्स में भी मास्टर हो गए। इससे उनके अंदर ईगो बहुत बढ़ गया। अब तो वह बहुत सी नेचुरल पावर पाना चाहते थे, जिसके लिए जादू सीखने लगे। उनकी कंडीशन इकारस के जैसी हो गई, जिसने मोम के पंखों द्वारा सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य की गर्मी से उसके पंख जल गए और वह समुद्र में गिरकर डूब गया। ये इतना कोरस में बताया जाता है। और उसके बाद कहानी शुरू होती है डॉक्टर फास्टस की स्टडी रूम से। तो फर्स्ट एक्ट का पहला सीन, इस सीन में डॉक्टर फास्टस अपने स्टडी रूम में बैठे हुए खुद से ही बात कर रहे हैं। उन्होंने अनेक विषयों में योग्यता प्राप्त कर ली है और अब वह दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, विधि और आयुर्विज्ञान का तुलनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। तर्कशास्त्र डॉक्टर फास्टस को बहुत पसंद है, पर इसका उद्देश्य बहस करने के अलावा कुछ नहीं होता है। आयुर्वेद का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ एवं सुडौल बनाए रखना है। धर्मशास्त्र निर्भय नहीं बनाता। यदि कोई इन सभी सब्जेक्ट्स में क्वालिफाइड हो भी जाए तो भी व्यक्ति सामान्य ही रहेगा। इस प्रकार देर तक सोचने समझने के बाद फास्टस लास्ट में यही डिसाइड करता है कि उसे सीरियसली जादू शास्त्र का ही स्टडी करना चाहिए। इससे उसे वेल्थ एंड पावर दोनों मिलेगा। तो उसने अपने नौकर वैगनर से कहा कि वह वाल्डिस और कार्नेलियस को बुला लाए। वो दोनों जादू शास्त्र में बहुत टैलेंटेड हैं, इसलिए उनकी एडवाइस बहुत काम आएगी। जब फास्टस अकेली रह जाता है तो उसके पास गुड एंजिन और एविन एंजिन आते हैं। गुड एंजिन सलाह देता है कि फास्टस को जादू की पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, बाइबल पढ़ना ठीक रहेगा। जादू टोना सीखने से वह भगवान का खूब भजन बनेगा। और यहाँ एविन एंजिन का रोल आता है। एविन एंजिन फास्टस को जादू की बुक पढ़ने के लिए फोर्स करता है। कहता है कि जादू टोना सीखकर वह भगवान की तरह शक्तिशाली हो पाएगा। वे दोनों एंजिन चले जाते हैं। फाइनली जादू सीखने के लिए फास्टस रेडी हो जाता है।
ताकि उसे बहुत सी शक्ति प्राप्त हो जाए और दूसरी दुनिया के एंजल्स के द्वारा अपना हर काम पूरा करा सकें। उसकी इच्छा है कि उसे भारत की संपत्ति, समुद्र के मोती तथा दुनिया के हर कोने से अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएं, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए, कुछ जो वह चाहे वो सब उपलब्ध हो जाए। उसकी इच्छा जर्मनी के चारों ओर दीवार बनाने की तथा सभी स्टूडेंट्स को सिल्क के कपड़े पहनाने की है। उसी समय उसके फ्रेंड वर्डोज और कॉर्नेलियस आ जाते हैं। फास्टस क्लियरली कह देता है कि वह जादू के लिए हर प्रकार की स्टडी को छोड़ रहा है। वह उनसे सहायता करने के लिए कहता है। वह दोनों बहुत खुशी होकर सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह दोनों बहुत खुश होते हैं और फास्टस से कहते हैं कि एंजिल उसके इशारों पर नाचेंगे और उसके सभी काम आसानी से हो जाएंगे। फास्टस अपने दोस्तों से जानना चाहता है कि प्रेतात्माओं को कैसे बुलाया जाता है। वाल्डिस कहता है कि जादू की कुछ बुक्स लेकर एकांत स्थान जंगल में चले जाओ। फास्टस अपने फ्रेंड्स को डिनर पर इनवाइट करता है। वह ये भी कहता है कि प्रेतात्माओं को आज ही रात बुलाऊंगा, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यहाँ पे सीन फर्स्ट ख़त्म हो जाता है, फिर शुरू होता है सीन सेकेंड। सीन सेकेंड में होता क्या है, फास्टस के दोनों फ्रेंड्स उसके घर के सामने बात करने में बिजी हैं और उन दोनों को ऐसा फील होता है कि फास्टस के साथ कुछ बुरा हुआ है, जिसके कारण वह यूनिवर्सिटी में दिखाई नहीं देते हैं। वे दोनों फास्टस के नौकर वैगनर से फास्टस के बारे में पूछते हैं तो वैगनर कहता है कि भगवान जाने, और उनके साथ मजाक भी करता है। फिर उन लोगों को परेशान देखकर लास्ट में बता देता है कि मेरे मालिक अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा है, उन्हें परेशान न किया जाए। फास्टस के दोस्त यह जानकर कि फास्टस बहुत पुरानी बुरी संगत में पड़ गया है, वे पुरोहित के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे जादू टोना के गलत रास्ते से हटाया जाए। यहाँ सीन सेकंड भी खत्म हो जाता है, सीन थर्ड शुरू होता है। रात काफ़ी बीत गई है, फास्टस अकेले ही बड़बड़ा रहा है। वही सुनसान स्थल पर जादू मंत्रों को टेस्ट करने आया है। वह आढ़ी टेढ़ी रेखा और वृत्त खींच रहा है ताकि प्रेत आत्माएं आ जाएं। मेफिस्टोफेलिस तुरंत आ जाता है, जिसे वह साधु वेश में आने का ऑर्डर देकर वापस भेज देता है। मेफिस्टोफेलिस वापस चला जाता है। फास्टस ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसका ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। उसे विश्वास है कि वह जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मेफिस्टोफेलिस आता है और फास्टस से कहता है कि वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है क्योंकि वह लूसीफर का नौकर है। लूसीफर ये जो नर्क का शासक है, क्योंकि वह लूसीफर का नौकर है इसलिए वह सिर्फ लूसीफर की ही बात मानेगा। आगे यह भी बताता है कि यहाँ अपनी मर्जी से ही आ गया था। यह भी बताता है कि यदि आपको प्रीत आत्माओं से आदेश पालन कराना है तो भगवान और बाइबिल को भूलकर लूसीफर की पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर फास्टस लूसीफर के बारे में और जानना चाहता है। मेफिस्टोफेलिस बताता है कि लूसीफर भी एक दिन गुड एंजल था, लेकिन भगवान से विद्रोह करने के कारण उसे नर्क में ढकेल दिया गया। उसके दोस्तों के साथ भी यही हुआ, उन सबको जीवन भर नर्क में रहना है। वह जहाँ कहीं भी जाता है नर्क भी साथ साथ जाता है। उसी वह दिन याद आते हैं जब वह भगवान के साथ स्वर्ग का सुख भोगता था। वह फास्टस को जादू के साइड इफेक्ट के बारे में भी बताता है और उसे सतर्क करता है, पर फास्टस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि जाओ लूसीफर से कह दो कि अगर मुझे 24 वर्षों तक बिना रोक टोक के मौज उड़ाने देगा तो मैं अपनी आत्मा भी उसको सौंप दूंगा। मेफिस्टोफेलिस चला जाता है। फास्टस सोचता है
एक दिन आएगा जब मैं जादू से सब कुछ कर सकूंगा, मेफिस्टो फिनिक्स भी हमेशा मेरी बात मानेगा। यहाँ सीन थर्ड खत्म होता है और फिर सीन फोर्थ शुरू होता है। फास्टस का नौकर वैगनर सड़क पर एक देहाती से टकरा जाता है और उसे लड़का कहकर संबोधित करता है, जिससे उस देहाती को इंसल्ट फील होता है और वैगनर से कहता है, अगर तू मेरा नौकर हो जाए। और इसके बाद भी वैगनर कहता है उससे, अगर तू मेरा नौकर हो जाए तो मैं तुझे कुछ दूंगा। इस पर वह देहाती वैगनर का मजाक उड़ाता है। जब देहाती नौकर से मना कर देता है जब वह देहाती नौकर बनने से मना कर देता है तो वैगनर दो प्रेत आत्माओं को बुलाता है जो उस देहाती को डराती हैं। वह बेचारा देहाती डर कर वैगनर का नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता है और शर्त रखता है कि वह उसे प्रेत आत्मा बुलाने वाली विद्या सिखाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।